अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हम तेल और मसाले वाली सब्जियां खा खा के बोर हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, सात्विक और स्वादिष्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू की सब्जी की रेसिपी। ये बनवासी स्टाइल हमने कद्दू की सब्जी बनाई है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि जो जंगलों में रहते हैं फ्रेंड्स, जो साधु संत इसी तरीके की सब्जी बनाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी को बनाने के लिए। हमने 500 ग्राम कद्दू लिया है, हरा वाला कद्दू है। इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है फ्रेंड्स, धोकर ही हमने काटा था, अभी हमने काट लिया है। तो इसको हम एक बार और धोएंगे अच्छे से साफ पानी से। अब पानी से निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी हमने गैस पर गर्म होने के लिए, वो कढ़ाई गर्म हो गई है। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे ऑयल सरसों का, ऑयल को गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप घी या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा हम दाना मेथी डालें, अगर व्रत के लिए बना रहे हैं दाना मेथी ना डालें। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। व्रत के लिए बना रहे हो तो ना डालें। फ्रेश करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता हमारे भुन गए हैं तो आप कटे हुए कद्दू को डाल देंगे और चला लेते हैं एक मिनट के लिए। अब फ्रेंड्स, दो मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, दो मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च डालें। चिली फ्लेक्स तीखा नहीं होगा लेकिन देखने में अच्छी दिखती है हमारी सब्ज़ी। मिला लेते हैं अच्छे से। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब एक चम्मच हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स चीनी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी सब्ज़ी में। एक चम्मच आमचूर पाउडर, ये होममेड आमचूर पाउडर है फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारी सब्ज़ी में आएगा, खट्टा मीठा सा। सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम डाल रहे हैं 1.5 गिलास पानी। अगर आप रसा वाली सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको सूखा भी रख सकते हैं, धीमी आंच पे ऐसे ही पका लें। अब फ्रेंड्स, हम 6 से 7 मिनट के लिए ढक देते हैं सब्जी को और पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट हो गए हैं, देखिए सब्जी हमारी पक के तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, एकदम शुद्ध और सात्विक सब्जी। वैसे फ्रेंड्स, बनवासी सब्जी में गंगा जल डाला जाता है लेकिन हमने इसमें डाला है नर्मदा जल, यानी कि हमारे इधर नर्मदा पानी आता है तो भी सात्विक है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मसाले वाली सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं तो कभी कभार इस तरीके से बना कर खाना चाहिए। मैं इसको सर्व कर रही हूँ चावल के साथ। अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप इसको मोरधन के चावल या रजगरे के आटे की पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।